व्यूअर्स, आज है 27 और इस समय टाइम हो रही है 7:30 हो रहे हैं और हस्बैंड लगे हुए हैं ठंड में ठंडा ठंडा जूस बनाने। इसका अभी शुरू ही किया लग रहा है। और आज फ्रिज साफ हो गई है, कर तो दिया इन्होंने, एक एक खाना निकाल के साफ किया है सारा, ऊपर से भी सामान सेट किया है। ये जो टेबल पे कपड़ा बिछा रखा था ना, ये वाला, ये मैंने कह दिया यहाँ बिछा लो क्योंकि वो धोने के लिए चला गया, तो टेबल पे मैं अभी दूसरा बिछाऊंगी। सारा सामान उठाया है, अभी कुछ रखा नहीं, ऐसे पड़ा है। सारा किचन का बैंड बजा हुआ है, लगे पड़े बेचारे। अभी पहले इन्होंने फ्रिज का किया, सारी फ्रिज को आगे खिसका के और के पीछे से पानी और जो जमा हो जाता है ना वो निकाला है, पता नहीं ठंडी हो गई कि नहीं। ऊपर से तो पहले भी ठंडी थी कह रहे थे, ऊपर नीचे से ठंडी नहीं हो रही थी, इसलिए सारा मतलब एक दो दिन तक मतलब ऐसे रखा फ्रिज को खोल के। अब पता नहीं नीचे से ठंडी हो जाए तो मैं सारा सामान टिका दूंगी फ्रिज के। पता है एक एक खाना खोल के इन्होंने साफ किया, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, देखो ठंडी हुई कि नहीं, हो रही है ठंडी, थोड़ी थोड़ी हो रही है ठंडी, हो रही है ठंडा, हाँ हो रही है, शुरू तो हो गई है। देखो चेक करो, किसको किसको दे रहे हो? दुकान मैंने पात कम कह रहे पात कम। ये देखो साग आया पड़ा है मेरा, रात को लगना पड़ेगा इसको। ये ऑरेंज बड़े में ये साग बड़ा ही डर है। 1 किलो सरसों मंगाई है, 1/2 किलो पालक और मेथी भी मंगाई है, तीनों चीज़ें। ये मेरा सारा सामान पड़ा, मैं किचन करती हूँ सेट। ये देखिए सारा सामान भारी रुल रहा है। थोड़ी देर पहले किचन में पोचा लगाया था, फिर थोड़ा बहुत गंद हो गया, झाड़ू फिर लगाना पड़ेगा। पोचा लगा के गई थी और बस अब ये किचन में टेढ़ा मेढ़ा सामान, अब ये निकलेंगे तो मैं अंदर आ जाऊँगी। ये मैं रेस्ट कर रही थी काफ़ी देर से, मैं कर रही थी 6 बजे से लेकर 7:30 तक रेस्ट किया, 7:20 तक। और अब मैं आ गई हूँ, बस अब लग रही हूँ काम पे। रात के खाने में क्या बनाना है वो भी सोचूंगी अभी, ठीक है। अब ये पता नहीं किस किस को दिया है या किसको नहीं दिया इन्होंने, लगे पड़े बस। ठंड में मेरे को तो बस कल रोज बेचारे कहते रहते हैं कि जूस बना दो जूस बना दो, मना करते हैं क्योंकि ठंड में ठंडा ठंडा जूस। अब बच्चों ने पता नहीं हाँ बोल दिया तो शुरू हो गया, ठीक है, लगे पड़े बेचारे। देखिए मेहनत कर रहे, कितने मेहनती बंदे हैं, मेहनती बंदे। बच्चे अपने कमरे में लगे पड़े, वो पता नहीं अब अपने अपने कामों में बिजी पड़े। स्वाति के तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो उसकी तैयारी में लगी होगी, और करिंगा का रिव्यू का काम चल रहा होगा, कभी मूवी देख रही होती है कभी रिव्यू देख रही होती है। चलो मैं देखती हूँ रात को खाने में क्या बनाती हूँ। व्यूअर्स मैं लग गई अब अपने काम लगने लगी हूँ। ये देखो गिलास भर के इन्होंने मेरे को ऑरेंज जूस पकड़ा दिया है, मैं कहा पहले पी लेती हूँ फिर ही लगती हूँ काम। अब ये फ्रिज में बहुत सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, वो सेट करके रखना है सारा, सारी सब्जियाँ बाहर पड़ी हुई हैं। और वो रैक पीछे वाला उठा के वो बीच वाले कमरे में ले गए हैं, तो उनको भी मुझे जो है सारा सामान टिका के मैं कह साफ करके ही रख देती हूँ उसको, इसी बारे सफाई हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है उनका काम अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये दो चीज़ें घर में टूट चुकी हैं, एक तो ये अभी ये जो गोल गोल घुमा रहे थे ना, तो उसकी जोर ज़्यादा ही लगा दिया, उसकी प्लास्टिक जो गोलाई ऐसे घुमाने वाली होती है उसकी प्लास्टिक टूट गई थोड़ी, पता नहीं फिर भी कैसे बना रहे मुझे समझ नहीं आया। और एक जो मैंने यहाँ पे रखा था ये टेबल के ऊपर ही मनी प्लांट शीशी में डाल के, तो उसको क्या करती हूँ थोड़े थोड़े दिन बाद, एक हफ्ते में मतलब दो तीन दिन तक बाहर रखती हूँ ताकि उसको धूप लग जाए। तो हुआ क्या कि उसको धूप में लगवा रखा था, तो कनिका उसको मतलब पानी वानी चेंज कर रही होगी, ऐसे सिंक से लग के उसका मुँह टूट गया बोतल का। मैंने बोला फेंक दे, अब क्या करना है उसको रख के फेंक दे, टूटी बोतल थोड़ी रखेंगे, थोड़ी कटवाना है अपना। उसकी जगह दूसरी बोतल निकाल दी थी मैंने उसको, पर उसको वो अभी तक भारी पड़ी है, भारी अब चलो अच्छा है धूप लग रही होगी उसको, मतलब दिन में धूप लगती होगी, तो मैंने अभी अंदर नहीं लाई, चेंज करके लाऊंगी। और दूसरा ये कि अभी इसका जो हत्था टूट गया, पता नहीं अभी कैसे काम करता है। चलो कटोरी भी गिरा दी इन्होंने, कभी कुछ गिर रहा है कभी कुछ गिर रहा है, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। ख़त्म करें काम ताकि मैं अपना शुरू करूं। अब रात का खाने का भी तैयारी करनी है, और साथ में ये जो है सारा पहले फ्रिज में सामान सारा टिकाना है मुझे। और अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद ठंडी हो रही है कि नहीं, अभी वैसे ऊपर से जो ठंडी हो रही है नीचे से अभी हल्की हल्की शुरू हुई है, बट देखो अगर सही से हो गई नहीं तो दोबारा बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पूरी बर्फ़ नहीं पिघली। तो पीछे करके ना ये इसको आगे करके ना इन्होंने पीछे से उसके पानी निकाला है, एक पिचकारी लेके निकालते हैं इसको पानी को, पता नहीं जमा वो होता है अंदर तक गया होता है, उसको ऐसी पिचकारी से खींच के निकालते हैं पानी, तो वो बर्फ़ ही जो होती है वो पानी मतलब बन गया होता है पिघल पिघल के। पर आजकल सर्दियाँ बर्फ़ भी ज़्यादा ही जमती होगी, कहाँ पिघलती होगी। तो अब देखो ठीक हो जाए तो अच्छा है ना, फ्रिज सब फ्रिज का सारा सामान बाहर आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा शेल्फ जो है ना सब्जियाँ सब्जियाँ सब्जियाँ। दूध भी मेरा भारी पड़ा होगा देखो,
और सारी सब्जी सब्जी गोभी की सब्जी वगैरह सब बाहर पड़ा भी बची हुई है गोभी की सब्जी। अब रात को मैं सोच रही हूँ सूप बना लूँ। कल मैंने वो क्या करा था, आपको डंठल दिखाए थे ना, उनको काट के रख दिया था। अब वो डंठल जो है ना उसमें डल जाएंगे और उसमें बहुत सारी और सब्जियाँ भी डलेंगी जो कि मेरे पास है, तो मैं उनको डाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ सूप बना लूँगी और उसमें डाल दूँगी नूडल्स, तो रात का हमारा इससे हो जाएगा। अच्छा भाई, आज बच्चे आते ना पूछे, बच्चे ना अभी दोनों तैयार होकर गए हैं बाहर, अभी अभी तैयार होकर निकल गए हैं बाहर, शंकर रोड गए हैं कुछ लेने के लिए। अब लेने के लिए क्या गए हैं वो मैं आएंगे तो दिखाती हूँ क्या लेकर आए हैं दोनों। तो बस बच्चे ये बुला रहे थे उसको, कनिका साथी को तो इन्होंने दे दिया जूस, वो पी गई है। कनिका को देना था उसको, बाहर लगा रहे थे। मैंने कहा वो तो दोनों निकल गई हैं बाहर, अब आएंगी थोड़ी देर में, आधे घंटे तक आ जाएंगी दोनों। तो चलो मैं पहले इसको पी लेती हूँ, उसके बाद मैं भी लग जाती हूँ काम पे। ठीक है चलो, मेरे को ये पता है ये ना बनाने में बड़ा झंझट है, बना फिर भी लो। अब इसकी मशीन का एक एक पार्ट निकाल कर धोने का ना थोड़ा सा मतलब आलस आता है कि ठंड में कौन, अभी तक हमने किचन का गीजर नहीं शुरू किया है, क्योंकि क्या होता है कि इसके आर ओ से जो भी पानी एक्स्ट्रा निकलता है ना वो नीचे बाल्टियों में भर लेते हैं, वो उसको स्टील के ट्रम में डाल के उससे सारे दिन बर्तन धुलते हैं, तो इसलिए गीजर किचन का शुरू हुआ ही नहीं है। बाकी तो चलो हम नहाते तो गर्म पानी से ही है, बल्कि करना तो चाहिए। चलो मैं पहले इसको पी लूँ फिर आगे बढ़ती हूँ, क्या क्या काम करना है क्या नहीं करना आगे देखते हैं। चलिए व्यूअर्स, सूप बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये मैं डाल रही हूँ ब्रोकली के पीछे का पार्ट, इसको कल मैंने काट के डूंगा भर के रख लिया था, उसमें से आधे डाल रही हूँ। और इसको दोबारा भी धो लिया है, सारी सब्जी वाली धुल गई है जो अभी काटनी है मुझे। मैं कहा पहले ये डाल देती हूँ, हार्ड वाली चीज़ें धीरे धीरे करके काट काट के डालती रहूँगी। चुकंदर, शिमला मिर्च और घिया और गाजर, शलगम, हरी मिर्च, अभी मेरे पास हरा प्याज और पालक, वो भी बाद में ऐड करती हूँ। पहले ये चीज़ें काट लूँ, ये थाली खाली कर लूँ पहले। ठीक है, लहसुन अदरक और प्याज सब कुछ डलेगा, तो ठीक है काटना शुरू कर देते हैं। आ रही हूँ राइस कुकर में, क्योंकि इसमें खुला बन जाता है, काफ़ी बड़ा है ना स्पेस, पानी रख दिया था, अब ये डाल दिए। चलो अब पास ही बैठी हुई है ना, तो धीरे धीरे करके काट काट के डालती जाऊँगी आराम से। चलिए व्यूअर्स, लग जाते हैं काम पे, काट पीट शुरू कर देते हैं। आज बनेगा सूप। पहले तो मैंने सोचा था इसमें नूडल्स डाल लूँगी, पर नूडल्स नहीं थे, पापा गए हैं अभी मार्केट ब्रेड लेने गए हैं, क्योंकि कल मंडे है, यहाँ मार्केट बंद होती है मंडे को, तो वो कह रहे थे मैं ब्रेड ले आता हूँ, दो ब्रेड इकट्ठे एक साथ ले आते हैं ना, वो तीन चार पाँच दिन निकल जाते हैं फिर, तो कह रहे थे मैं चुपचाप मैगी भी एक ले दो मैगी ले आऊँगा इसमें डाल ली। मैं कहा उनको भी बड़ा शौक है, अगर सूप में मैगी डाल दूँ ना सबको अच्छी लगती है। तो चलो पहले जी हम हार्ड चीज़ें काटना शुरू करते हैं और डालते हैं। लहसुन को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, सामान भी जगह भी स्पेस भी चाहिए। ठीक है, तो चलो आज मेरी फ्रिज का काम हो गया, अब डीप क्लीनिंग हुई है फ्रिज की, और पता है क्या, बिल्कुल ठंडी हो गई, नीचे से भी ठंडी हो गई, ऊपर से पहले ही ठंडी थी, तो मुझे डर था पता नहीं ठीक हो पाई नहीं हो पाई, कई बार नहीं कभी कभी नहीं भी होती, पर हो रही है ठंडी, और मैंने सारा सामान टिका दिया उसके अंदर, सारा सामान बाहर पड़ा था, ये गर्म होने की वजह से ना चीज़ें खराब हो रही थी। भिंडी ला के रखी थी वो भी खराब हो गई, अभी फेंकवाई मैंने, मतलब कच्ची भिंडी, तो सब खराब गर्मी की वजह से खराब हो रही थी चीज़ें। चलो इसमें इनकी मेहनत तो काफ़ी लगी है, और आज इन्होंने पूरा फ्रिज का काम किया है पीछे से सारा काम। अच्छा हाँ, बच्चे गए थे बाहर क्या करने गए थे वो पता, अपनी ना ऐनक लेने गए थे, आई सेट वाली ऐनक, इन्होंने तीन चार दिन पहले क्या करा चश्मा बनवाया के, उनके पास है ऑलरेडी, फिर भी कह रहे फालतू बनवा लेते हैं, वो कहता लेंस कार्ड से ना, पिछले साल लेंस कार्ड से लिया था इन्होंने, तो ये कह रहे थे कि एक साल की मेम्बरशिप होती है, तो उसके अंदर अगर हम दोबारा उनसे आंखें टेस्ट करवा के उन्हीं से अपना लेंस भी ले लेते हैं और चश्मे का मतलब फ्रेम भी ले लेते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है। अब वो टाइम ख़त्म होने वाला था, दिसंबर तक की थी लास्ट, मतलब 30-31 दिसंबर तक की लास्ट डेट थी, नहीं 28 दिसंबर थी लास्ट डेट। तो ये कह रहे थे बच्चे कि हम उससे पहले पहले फटाफट चेक करा के आई सेट एक एक फ्रेम और ले लेते हैं। अब गए तो लेने, वहाँ जाके पसंद करा, फिर उसके बाद फिर पसंद करके उनके फ्रेम इनकी दोनों की आना का ही है 5,600 की, जबकि उसका रेट था 11,000। क्या था, एक के साथ ये जो मेंबरशिप की स्कीम थी ना उसमें एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, और अगर मेंबर नहीं होते यानी कि इनकी डेट निकल जाती उसके बाद लेते तो इनको ये पड़ती 11,000 की दो ऐनक। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि कनिका की जो है वो थोड़ी सस्ती है, वो करीब मेरी 5,000 की है, और स्वाति की है 6,000 की। ठीक है, उसमें फ्रेम है और लेंस है,
कनिका कह रही मेरा फ्रेम है 3000 का, लेंस है 2000 के, 5000, और स्वाति का महंगी है क्योंकि उसकी पूरी टाइटनिक है तो उसकी महंगी है। मैंने देखा है इन दोनों की अभी अनक देखी है मैंने, तो मेरे को मैं कह रही तो बहुत ही मतलब लाइट सा गोल गोल है और दोनों की मतलब लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पतला सा फ्रेम है, पर इनको पसंद है, हम क्या कर सकते हैं। एक अभी पिछले साल लिया, दोबारा ले लिया, क्या कर सकते हैं। फिर ठीक है, इनको अच्छी लग रही है, अभी कह रहे हैं सही लग रही है। तो इनको पता क्या डिस्काउंट की, और भी इन्होंने बहुत सारे तिकड़म भिड़ाए कि इनके साथ डिस्काउंट कूपन होते हैं, वो कर कूर के बहुत मतलब तिकड़म भिड़ाने के बाद जाके इनको 500 या 600 में पड़ी, नहीं तो महंगी पड़ रही थी। तो बस ऑनलाइन लेते तो डिस्काउंट कूपन लग जाते, पर इन्होंने ऑनलाइन नहीं ली, इधर हमारे पास मार्केट है जो वहाँ से इन्होंने पसंद करके लिए। तो बस ले ली, वही लेने गए थे, लेकर आ गए तो खुश थे, उसके बाद फोटो खींच रहे थे बैठ के कि हम ऐनक में कैसे लग रहे हैं। चलो जो भी है, कल स्वाति अंडा लगा के बैठी हुई थी, वीडियो में अचानक आ गई बेचारी, मैं काम कर रही थी वो बीच में आ गई और बातें करने लग गई, उसको पता ही नहीं कि वीडियो चल रही है। तो कह रही मेरे को क्यों ले लिया वीडियो, मैं कहा तुझे बुलाया खुदा भी बीच में बातें करने के लिए। अब दोनों बैठी हुई हैं आराम से। हाँ, दूध का काम हमने कर लिया, दूध जो था सबने पी लिया है स्वाति को छोड़ के, उसके पापा आए, तुमको भी अभी दे दिया, वो गए थे पता पनीर लेकर आए थे, पिछली बार पनीर मेरा थोड़ा ख़राब हो गया तो मैंने उनको बोला कि तुम डेट देख कर लाया करो, डेट नहीं देखी थी ना, फिर वो एक हफ्ता मतलब पुराना लेकर आए थे, ऊपर से फ्रिज भी ख़राब थी, इस वजह से वो ख़राब हो गया थोड़ा सा, पनीर फेंकना पड़े तो दुख तो लगता ही है ना। तो फिर इन्होंने अभी जो पनीर लेकर आए, आज पनीर लाए थे और चीज़ लेकर आए थे बच्चों के लिए, जो पनीर लेकर आए ना तो वो उसकी डेट फिर चेक करी मैंने, एक हफ्ता पुरानी थी, मैंने कहा अब इसको चेंज करके आओ, गए थे अभी चेंज करने, कह रहे ख़त्म हो गया उसमें, कल सवेरे नया आएगा, जितना आया था उनका बिक गया, अब सवेरे नया आएगा, सवेरे ले लेना। फिर वो आए तो मैंने उनको दे दिया दूध, और उससे पहले मैंने और कनिका ने भी पी लिया दूध, हम दोनों ने साथ में, इन्होंने अपने ब्रेड गर्म करके उसमें चीज़ लगा के खाया, सबने दो दो ब्रेड खाई, तो मैंने कहा मैं भी खाऊंगी दो ब्रेड, फिर मैंने भी खा लिया, थोड़ी थोड़ी भूख तो लगी रही थी। साथी ढूंढ रही थी बाहर मूँगफली, वो जो बेचते हैं मूँगफली वाले, तो उसको बेचारी को मिली नहीं, कह रही मूँगफली नहीं मिली मुझे, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब ये घर में आज दूसरे तीसरे दिन तो मूँगफली ढूंढने बैठ जाते हैं, करके आ सकते हैं, चलो मैं ये काट पीट कर लूँ, बहुत सारा काम है अभी, क्या कर सकते हैं, अभी साग का काम भी करना है, आज को ठंड में पता नहीं मन करेगा कि नहीं, काट पीट तो साग की भी करनी है, अगर ये काट दें तो मैं पैट साथ के साथ धो के उबाल लेती हूँ, बाकी काम चले कर लेंगे। चलो देखते हैं, पहले मैं तो ये वाला काम कर लूँ, बाद में मिलती हूँ। व्यूअर्स, इतना सामान कट गया, ये रह गया, इतना कट गया, अब देखो डालती हूँ इसमें, मैंने वो डाले हुए थे ना आपको दिखाए थे, ये देखिए बॉयल हो रहे हैं, मैं कहा ना हर चीज़ें पहले डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं इसके अंदर। चलो अब ये देखिए, इसको कड़छी मैंने ले ली है, ये वाली ब्लैक वाली, इसमें अच्छी तरह सूप आ जाता है, अब इसमें ये भी बॉयल होता रहेगा आराम से, पापा इसके अभी तक आए नहीं है, अभी तक पता नहीं कितनी देर लगा दी उन्होंने, ब्रेड ही लेने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो अभी काट पीट का काम चल ही रहा है, मैं बाकी चीज़ें भी काट लेती हूँ, पहले घिया काट लेती हूँ, या अब हल्की फुल्की चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, चीज़ भी और सब्जी गल गई थी तो मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया इसको अच्छे से, ये देखिए पिछली बार मैंने ये वाले ग्राइंडर से किया था ना, ये वाले से तो छोटे छोटे टुकड़े कुछ ना कुछ रह गए थे, इस बार बड़े अच्छे से हो गए हैं, देखिए ये देखिए। बस अब इसमें मुझे मसाले डालने हैं, और डालनी है ये मैगी वाई वाई, दो वाई वाई के टुकड़े, और ये जो का मसाला है ये डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा बॉयल और करवाना है, बाकी नमक मिर्च मसाले भी डालने हैं जो डाल इसमें डलेंगे, तो ये सारी चीज़ें डाल के और मैगी डाल के बस इसको हमने बना लेना है। तो चलो पहले ये सारी चीज़ें मैं डाल लें, सूप हमारा बन के तैयार है, मैंने ऑफ कर दिया है, सर्व कर देती हूँ सबको। ठीक है, सब वेट कर रहे हैं, इसकी टेस्ट करके देख लिया, थोड़ा स्पाइसी है हल्का सा, इसमें मैंने वो चाट मसाला भी डाला है, बाकी तो नमक मिर्च मसाला थोड़ा सा वो डाला है, क्या कहते हैं गरम मसाला भी। ठीक है, हरा धनिया नहीं डाला, अब उसके लिए कौन काटेगा, हाथ गीले करेगा। तो चलो मैं इसको सर्व कर देती हूँ पहले, और फिर हम करते हैं इसको इंजॉय, और मिलते हैं कल आपसे। उधर मैंने मेथी रखी हुई है, वो देखो अब मेथी काट के रखनी है रात को, ये मैं पालक वालक नहीं काटने वाली, रात बहुत हो गई है, वो सवेरे कर लेंगे साग का काम। ठीक है, और मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शेयर।